सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि। शरण्याति धन्यो धरण्याम वरेण्यो वरिवर्ति गण्यो यदन्न न कोपि। गतिर्विठलेशे रतिर्विठलेशे मतिर्विठलेशे सदा वै ममास्तु। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभुर नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशयः। आजनो युवान अने श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण फक्त युवानी माटे नहीं, फक्त कोई कोम माटे नहीं, कोई एक जीवन माटे नहीं, कोई एक युग कल्प के समय माटे नहीं, पण नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ए अंतर ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व छे, जेना स्वयंना लीला माटे कृतित्व माटे अने एक एक पग ऊपर नूतन नवीन अनेक प्रकारना युग कल्प प्रकल्प अने अनेक जन्म जीव अने ज्ञातियों समावेश थई जाय छे। एटले कोई युवानी साथे श्री कृष्ण ने तुलनात्मक रीते जोवानो प्रयत्न नथी, पण जे कृष्ण जेम छे तेम श्री कृष्ण अगर आजना युवाननु अंग बने अने एनी युवानी ए श्री कृष्णना चरित्र ने आत्मसात करे तो कई रीते करी शके। खूब आनंदनो विषय छे कि गुजरात प्रदेशना वैष्णव युवा संगठन द्वारा प्रभु प्रसन्नता पर्वनु आयोजन करवामां आव्युं। प्रभु ने प्रसन्न करवा माटे आजनी युवानी शू भेट धरी शके, एना चरणों में शू धरी शके, ते माटे वैष्णव युवा संगठन ना युवकोए विचार कर्यो अने प्रभु ने प्रसन्न करी शकाय ते माटे ए युवानी में एवी वैष्णवता खिलवानी छे के जेना द्वारा प्रभुनी प्रसन्नता ने प्राप्त करवानो अधिकारी आजनो युवान बनी शके। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण એ સદા યુવાન સદા બહાર અને બહુરંગી વ્યક્તિત્વના ધની છે। એમને મનુષ્યાકૃતિ સ્વરૂપે જોવું પણ આપણા માટે એક દુષ્કર કાર્ય છે, અલબત્ત જોઈ જ ન શકાય, કારણ કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જેના સ્મરણમાં ક્ષણભર માટે આવી શકે અને સમુચિત જીવનને રોમાંચિત કરી દે એને કોઈકની સાથે એની તુલનાત્મક કે મૂલ્યાંકન એના વ્યક્તિત્વનું કરવું એ દુષ્કર કાર્ય છે। જેટલી સાગરમાં ક્ષમતા છે અને જેટલું જલ છે એટલી સહી બનાવવામાં આવે, આ પૃથ્વી જેટલો કાગળ હોય અને આ દુનિયામાં જેટલા પણ વૃક્ષો છે એ વૃક્ષોના તમામ લાકડાઓની કલમ બનાવવામાં આવે તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરિત્રને એમની લીલાઓને અને એમના સ્વરૂપને આ મનુષ્ય પોતાની ક્ષમતા દ્વારા અભિવ્યક્ત કરી શકતું નથી, તો પછી યુવાની સાથે એની તુલના કઈ રીતે થઈ શકે? પણ જો યુવાનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંબંધ જોડવો હશે તો પ્રભુના જીવનમાં જે જે અનુકરણીય અનુસરણીય પ્રસંગો છે એનું અનુકરણ પણ એની નકલ પણ જો યુવાન કરવાની કોશિશ કરે તો ભગવાન જેવું તો કોણ થઈ શકે, પણ ભગવાનને પામવા માટે એને સુલભતા પ્રાપ્ત થઈ શકે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનેક ચરિત્રોમાં મને પ્રિય છે એવું ગોવર્ધન લીલાનું પ્રસંગ આવે છે। એ ગોવર્ધન લીલામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રજમંડળની રક્ષા કરવા માટે વ્રજ 84 કોષની રક્ષા કરવા માટે વ્રજવાસીઓની રક્ષા કરવા માટે
भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण करे छे। गोवर्धन जारे धारण करे छे त्यारे कई रीते श्री कृष्ण पशुबलनी जनबलनी धनबलनी अन्नबलनी अने भूमिबलनी रक्षा करे छे ए श्री कृष्णना चरित्रथी शीखवा जेवू छे। समाज धर्म अने समाजनो अंतिम व्यक्ति पशु अने पक्षीओ जीव मात्रना अंतिम छोर सुधी अने सुरक्षा ए सहयोगना समुचित प्रयत्न द्वारा कई रीते भगवाने समग्र ब्रजमंडलनी रक्षा करी अने ए ब्रजमंडलनी रक्षा करी त्यारे भगवान पोते केवा हता। सात दिवस गिरवर कर धार्यो और सात वर्ष को कुंवर कन्हैया। सात वर्ष ना श्री कृष्ण छे अने सात दिवस सुधी गिरवर कर धार्यो। गिरिराज ने पोताना सिंहस्थ पर उठाव्या। सिंहस्थ पर उठाव्या ए मात्र कोई कल्पना नथी, कोई नु काव्य नथी, पण ए वास्तविकता। हजरा हजूर जे लोको ए दृश्य जोयु ए प्रभुना अद्भुत व्यक्तित्व पर सम्मोहित थया। कारण के एक बाजू इंद्रनो कोप हतो, बीजी बाजू प्राकृतिक प्रहार हतो, त्रीजी बाजू असुरक्षा हती। आटला आटला भय थी जारे आखू ब्रज भयभीत थई रह्यु हतुं तेवा समय मा भगवान श्री कृष्ण ते वखते सात बरस को कुंवर कन्हैया एवा सात वर्षना श्री कृष्ण ते वखते समग्र ब्रज ने अभय दान प्रदान कर्यु। तो आजनी युवानी सौथी पहला समाज ने परिवार ने धर्म ने राष्ट्र ने अने सोमार्ग सो संप्रदाय ने सु आपी शके। जेम सात वर्षना श्री कृष्ण छे एम जो आजना युवानना व्यक्तित्वमा कृतित्वमा अने एना जीवनमा जो वैष्णवी श्रृंगारना सात रंगो उमेराई जाए तो ए सात रंग द्वारा एना जीवनमा समुचित मानवता आदर्शपूर्ण सज्जनता अने अनुकरणीय वैष्णवतानु उदय थई शके छे। जो एनामा मानवता नहीं आवे तो एनामा सज्जनताना लक्षणों आत्मसात थवाना नथी अने जो सज्जनता पण एनामा नहीं आवे तो एनामा वैष्णवता क्यारे पण खिली शकवानी नथी। वैष्णवता ने जीवू एक अलग बात छे अने हूँ वैष्णव छू एवू मानीने फक्त वैष्णवतानो दावो करवो एक अलग बात छे। वैष्णवता एना जीवननु अंग बनवू जोईए। कारण के ए श्री कृष्णनो सेवक छे, कृष्ण एनो स्वामी छे, कृष्णनो दास धर्मनु पालन करवू हशे तो पण भगवान जेवी खुमारी तो राखवी ज पड़शे अने ए खुमारी माटे युवानी एक सुवर्ण अवसर छे। हुं घणीवार कहुं छुं के युवानी ए तो सुवर्ण मुक्ता रसायण छे, जो पची जाए तो समग्र जीवन ने पुष्टि प्रदान करे अने जो फूटी निकले तो विनष्टि सर्जी दे। युवानी ने पचावी कई रीते पचावी शकाए तो सात अलग अलग प्रकारों मा युवानी ने एक युवान पचावे तो एना जीवन मा पुष्टिनो उदय थाय। पुष्टिनो उदय नो मतलब छे भगवान नी कृपा ने प्राप्त करवानो ए अधिकारी बने। एना मा रहेली जे क्षमता छे आपणे घणीवार कहीए छे के एनी पासे पांक छे आंख छे, अने कोई कहे छे के एनी पासे पांख नथी तो आंख छे, कोई कहे छे के ना आंख छे तो पांख नथी, पण मारी दृष्टिमां तो एनी पासे आंख पण छे अने पांख पण छे। जो एने ब्रह्म संबंध दीक्षा द्वारा श्री महाप्रभुजीना मार्गमां प्रवेश कर्यो छे तो ए युवानी पासे तो पांख पण होवी जोईए अने आंख पण होवी जोईए। असहाय भयभीत